लड़की को उस पर रिप्लाई आया था कि हमारी भी सेम स्किन ऐसी हो गई थी, बर्निंग सेंसेशन हुई थी, चीज सेंसेशन हुई थी. सो आई रियली डोंट नो क्या प्रॉब्लम है उनके प्रोडक्ट्स के साथ. कशिका खुद के लिए ऑर्डर कर लिया बहन, उसके बाद सजेस्ट किया था बिकॉज खुद के लिए लेने के लिए फिर सामान नहीं बचता. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर. आई एम बैक अगेन विद माय मंथली फेवरेट्स. आई एम रियली सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया. यूजली मैं हर मंथ के फर्स्ट वीक में अपलोड कर देती हूँ, बट लास्ट वीक मेरी थोड़ी सी कमिटमेंट्स थी जो मुझे सबमिट करनी थी, इससे थोड़ा सा डिले हो गया. ऑल्सो मेरा बर्थडे आने वाला है, अगर आपको नहीं पता 27 मई को मेरा बर्थडे आता है. सो इट्स लाइक माय बर्थडे मंथ, सो मुझे लगा मैं गिव अवे होस्ट कर लूँगी बिकॉज आई रियली वांट टू सेलिब्रेट विद यू गाइज एज वेल. तो फर्स्ट वीक तो डिले हो गया था, बट अब फाइनली आज मैं फर्स्ट गिव अवे पोस्ट करने वाली हूँ. इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा गिव अवे विनर को क्या मिलेगा, रूल्स क्या है. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट, एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद स्किन केयर फर्स्ट. इन तीन प्रोडक्ट्स ने लिटरली मेरी स्किन बचाई है अप्रैल मंथ में बिकॉज बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी. मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, मैं फटाफट से दोबारा बता देती हूँ. सो क्या हुआ था, लास्ट मंथ मेरे कजन का रोका था, और जब भी मैं कुछ वेडिंग मेकअप या पार्टी मेकअप करती हूँ ना, मैं उससे पहले थोड़ी देर पहले शेविंग करती हूँ ताकि और स्मूथ रहे स्किन, बिल्कुल ही बाल ना हो स्किन के ऊपर, और एक अच्छा मेकअप ग्लाइड हो. सो मेरा प्लम का एलो जेल खत्म हो गया था, मैं एलोवेरा जेल लगा के शेविंग करती हूँ. सो इंस्टेंटली जो मेरे पास बैकअप में पड़ा था मामाअर्थ का एलो जेल रखा हुआ था, मैंने वो उठाया, मैंने फटाफट फेस पे लगा लिया शेव करने के लिए, एंड इट बर्न माई स्किन. लाइक आई डोंट नो हाउ इनका एलोवेरा जेल भी कैसा निकला कि स्किन लिटरली मेरी जल गई. वो टर्मरिक वाला वेरिएंट था, मैंने उस टाइम स्टोरी भी डाली थी, उसके भी काफी लड़कियों के उस पर रिप्लाई आया था कि हमारी भी सेम स्किन ऐसी हो गई थी, बर्निंग सेंसेशन हुई थी, चीज सेंसेशन हुई थी. सो आई रियली डोंट नो क्या प्रॉब्लम है उनके प्रोडक्ट्स के साथ. ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ TMI विच इज टू मच इन्फॉर्मेशन. मेरा अब मन कर गया था मामाअर्थ के साथ काम करने का. काफी टाइम से मैं उनका मेकअप लॉन्चेस देख रही हूँ, और हर मंथ कोलैबोरेशन किसी ना किसी एजेंसी से आती रहती है, और मैं हर मंथ मना करती थी बिकॉज आई थिंक 1.5 या 2 साल हो चुके हैं मैं मामाअर्थ के साथ अब काम नहीं कर रही हूँ. मुझे उससे पहले कोलैबोरेशन में करती थी, एंड मुझे प्रोडक्ट्स उनके ठीक लगते थे, इतने कोई भाव नहीं थे. सो मुझे भी ना उनकी अप्रिसिएशन करने बड़ी प्रॉब्लम आती है, लाइक मत ही करो, मैं इससे अच्छा और अच्छी अच्छी ब्रांड से कोलैबोरेशन उठाऊं चाहे कम पेमेंट मिले, लेकिन मैं सुख में जीऊंगी. सो अब फाइनली मेरा मन कर गया था कि यार मेकअप उन्होंने लॉन्च किया, जरा मेकअप ट्राई करती हूँ, पेड कोलैबोरेशन उनकी लेती हूँ, एंड दिस ट्रेजेडी हैपेंस. एंड आई वाज लाइक नहीं यार, मैं नहीं कर सकती. अब लिटरली मेरा फेस उस टाइम पूरा बर्न हो गया था, 2 घंटे में फंक्शन में जाना था, स्किन जल रही थी, रेड पैचेस पड़ गए थे यहाँ पर, रेड पैचेस, और इवेंचुअली 2 या 3 दिन बाद वहाँ से स्किन मेरी पील होने लग गई थी, अजीब सी ड्राई हो गई थी. लिटरली मेरी पूरी स्किन का जो बैरियर था ना वो खराब हो गया था, और उस टाइम पे इन प्रोडक्ट्स ने मुझे बचाया है. सबसे पहले था ये सीरम, ये है पेप्टरॉनिक का सीरम, SNP प्रेप के कोरियन स्किन केयर ब्रांड है ये. मैंने उस टाइम 2 वीक पहले फॉक्सी से मंगवाया था, बहुत अच्छा सीरम है. मैं आजकल ना मैंने अब थोड़ा सा कम कर दिया एक्ने बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करना बिकॉज मेरे एक्ने थोड़े बहुत कम हो चुके हैं, मुझे खाली एक्ने मार्क्स हैं, तो मैं अननेसेसरी एक्ने वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना चाहती. सो मैंने अभी हाइड्रेटिंग सीरम मंगवाया था कि जस्ट फॉर हाइड्रेशन सही रहेगा. इसमें 5 टाइप्स के हाइलुरोनिक एसिड, 6 टाइप्स के पेप्टाइड है, और 5 टाइप्स के हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, रीवाइटलाइज करते हैं स्किन को. आप देख सकते हो मैंने कितना यूज कर लिया इस मंथ, मतलब लिटरली मैंने हाफ के अराउंड में आने वाली हूँ, और ये ऐसे स्क्वीजी टाइप ऑफ प्लास्टिक की बॉटल है, थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज करके निकालना पड़ता है. बहुत अच्छा है सीरम है, मैंने इसने मेरे जो लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड सीरम था ना उसको रिप्लेस कर दिया है. नरिशेज योर स्किन सो वेल. इसके अंदर हल्की सी फ्रेग्रेंस है, बट आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि उस टाइम जब मेरा स्किन का बैरियर हिला हुआ था ना, इसकी फ्रेग्रेंस से मुझे तब भी इरिटेट नहीं किया. तो कोरियन ब्रांड है, इन्होंने फ्रेग्रेंस भी डाली है ना, तो बड़ी आई थिंक बहुत अच्छे से डाली है कि वो इरिटेट नहीं करती. इसके अंदर एक रोज वाटर जैसी, गुलाब जल जैसी खुशबू आती है, विच इज फाइन इनफ, लेकिन इसने मेरी स्किन को काफी अच्छे से सूद किया है, नरिश किया है. जो सूखापन आ जाता है ना स्किन बैरियर जलने की वजह से, बर्निंग सेंसेशन की वजह से, इसने काफी अच्छे से ठीक किया है. और वैसे भी अगर आप एक बेसिक सीरम देख रहे हो मेकअप करने से पहले जो स्किन को हाइड्रेशन दे, नरिशमेंट दे, इट्स लाइक वाटर फॉर योर स्किन. जैसा पानी पीते हो ना अपनी बॉडी को हाइड्रेशन देने के लिए, वैसे ही हाइलुरोनिक एसिड और जो पेप्टाइड्स होते हैं ना, ये स्किन को ऊपर से हाइड्रेट करते हैं. तो अभी समर्स के लिए भी ये काफी सही है. आई रियली लाइक दैट, डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. मैं इसको डेली सुबह और शाम यूज करती हूँ. सिंस इसमें हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइड्स हैं, तो इसको पेयरिंग की भी टेंशन नहीं. आप इसको रेटिनॉल के ऊपर लगा लो, कोई विटामिन सी सीरम के ऊपर लगा लो, नायसिनमाइड के ऊपर लगा लो, किसी के ऊपर आप कोई भी सीरम के साथ इसको पेयर कर सकते हो, या फिर आप खाली भी लगा सकते हो. वन इंपॉर्टेंट टिप जो कशिका ज्ञान में हमेशा देती हूँ, कोई भी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स हो हमेशा उसको डैम स्किन पर लगाया करो. मैं थोड़ा सा रोज वाटर स्प्रे कर लेती हूँ और फिर इसको लगाती हूँ, सो दैट ये बेटर वर्क करें मेरी स्किन पे. और इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है बिकॉज इसकी नरिशमेंट को हमें लॉक करना होता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा अच्छे से. सो दिस इज डेफिनेटली माय होली ग्रेल. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन माय होली ग्रेल ऑफ अप्रैल. इसी ने मेरी स्किन को बचाया है, थैंक गॉड मेरे पास रखी थी, अदरवाइज तो मैं ऑर्डर करती जब तक आता ना तो मतलब बहुत ही लेट हो जाता, बिकॉज उस टाइम फटाफट ये मेरे पास भी थी, मैंने लगा भी ली थी, और उसने मुझे बहुत हेल्प किया इन दैट 1 वीक ऑफ स्किन पीलिंग जर्नी. ये है बायोडर्मा का CBM हाइड्रा. बायोडर्मा के साथ मैं पेड कोलैबोरेशंस करती हूँ, लेकिन ये पेड और स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैंने इनके साथ फेब मंथ में एक कैंपेन किया था, उसमें ये
प्रोडक्ट फीचर किया था और ये जो बना है ना ये इसी स्पेसिफिक स्किन कंडीशन के लिए बना है। इसका नाम है अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग कंपनसेटिंग केयर एक्ने प्रोन स्किन अल्ट्रा ड्राई ड्यू टू ट्रीटमेंट्स। तो आप कभी भी कोई ट्रेटिनॉल यूज कर लेते हो, कोई भी आप ऐसी ट्रीटमेंट करवा लेते हो एक्ने की, आपकी स्किन अजीब सी ड्राई हो जाती है, आपकी पीलिंग होनी शुरू हो जाती है या फिर कोई प्रोडक्ट आपके ऊपर रिएक्ट कर जाता है। मेरा पूरा स्किन बैरियर हिल गया था, ड्राई हो गई थी, अजीब सी स्किन इची हो गई थी, दो मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, लेकिन इसने बहुत हद तक बहुत हेल्प करा है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन हल्की सी ग्रीसी फील होगी बिकॉज ये अल्ट्रा नरिशिंग क्रीम है। ये जो स्किन आपकी सूख जाती है ना बैरियर खराब होने की वजह से, उसको नरिश करता है, उसको ठीक करता है। तो ये थोड़ी सी ग्रीसी, आप इसको लगा के बाहर मेकअप वेकअप नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल स्वेट मोर, लेकिन रात को लगाने के लिए परफेक्ट थी। मैंने इसको स्पेसिफिकली इस एरिया में लगाया जहाँ पर पीलिंग थी, जहाँ पर रेडनेस थी, जहाँ जहाँ पर मुझे इशू था ना, मैंने इसको वहाँ लगाया था एंड ट्रस्ट मी इट वर्क लाइक मैजिक। ये थोड़ी सी प्राइसी है बट आई थिंक आप लेकर रख लो, कभी भी आपकी कोई इमरजेंसी हो, आपको स्किन पर पीलिंग हो जाए, कोई आपको केमिकल पील रिएक्ट कर जाता है, कोई प्रोडक्ट रिएक्ट कर जाता है, आप रेटिनॉल यूज करते हो स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये बहुत सही मॉइस्चराइजर है, डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। सो मामाअर्थ के एलोवेरा जेल ने तो डेफिनेटली मेरी स्किन की वाट लगा दी थी, लेकिन टोनी मोली के एलोवेरा जेल ने मेरी स्किन को बचाया है। दिस इज सो सो गुड। मैंने अभी इसको नायका की कार्ट में भी डाला था, मैंने अभी नायका की समर सेल आई थी ना, तो मैं सामान ऑर्डर कर रही थी। मैंने काफी टाइम से शॉपिंग नहीं करी नायका से और मुझे बहुत सारे अपने चाहिए थे एसेंशियल, तो मैंने इस बार शॉप कर लिए और जैसे ही मैंने इसको कार्ट में डाला मुझे लगा मैं आपको भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। उस पर डील अच्छी थी, 40% ऑफ चल रहा था, मैंने स्टोरीज में डाला और थोड़ी देर बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मतलब इसका नाम है टोनी मोली चोक चोक सूदिंग एलो जेल, 99% प्योर इसमें एलो जेल है। ये नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को। दिस इज वन ऑफ द रेयर एलो जेल जिसको लगा के मेरी स्किन अजीब सी सूखी नहीं होती। काफी बार कोई एलोवेरा जेल लगाते हो ना आपकी स्किन बड़ी ऐसे टाइट टाइट फील होती है, फिर उसके पील्स निकलने लग जाते हैं, फिर वो ऐसा लगता है एक अजीब सा प्लास्टिक मास बन गया आपके फेस के ऊपर। वेयर एज ये एलोवेरा जेल बहुत सही है अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है और आप नाइट टाइम के लिए एक सस्ता जेल ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो, गो फॉर दिस वन बिकॉज इतनी बड़ी ट्यूब आपको अभी नायका के सेल पे 240-250 की मिल रही थी, नॉट एट ऑल अ बैड डील। इसको मैं फ्रिज में रखती थी और मैं इसको रोज रात को ठंडा ठंडा लगाती थी। इसी ने मेरी स्किन को कहीं ना कहीं सूद किया, जो उस टाइम जलन हो रही थी, बर्निंग सेंसेशन हो रही थी, इसने काफी हद तक हेल्प किया। तो आप भी अगर अभी धूप में जाते हो, कहीं गर्मी में जाते हो, वैसे भी कोई प्रोडक्ट आपके ऊपर रिएक्ट कर गया है, फटाफट एक ठंडा एलोवेरा जेल लगा लिया करो, ये बहुत हद तक हेल्प करता है। टॉकिंग अबाउट अनदर क्रीम जिसने लिटरली मेरे ड्राई पीलिंग वाले एरिया से, जहां जब भी मुझे जलन हो रही थी उस टाइम पे मैंने यही क्रीम यूज करी थी उन एरियाज पे, एंड ट्रस्ट में इसने बचा लिया मुझे उस टाइम। आयरनी देखो, एक साल पहले मैंने इसी प्रोडक्ट को फीचर किया था मेरे रिग्रेट बाइंग वीडियो में, बिकॉज जिस चीज के लिए मैंने लिया था ना उस पर वर्क नहीं करी थी। सो इस प्रोडक्ट का नाम है सेंटला ब्लेमिश क्रीम बाय कॉसारेक्स। और ब्लेमिश क्रीम देख के आप क्या समझते हो कि ब्लेमिशेस पे वर्क करेगी, जहां पे ब्लेमिशेस होते हैं, मार्क्स होते हैं, मैंने वही समझ के उस टाइम ऑर्डर करी थी और ये काफी एक्सपेंसिव है, 1200-1300 रुपए की क्रीम है एंड इट फेल्ड। उस टाइम ये बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने इसको रिग्रेट बाइंग में फीचर किया था, लेकिन अब ये मुझे इतनी काम आई है ना। सो इसका जो नाम है वो गलत है, लेकिन इनकी डिस्क्रिप्शन एकदम परफेक्टली समझाती है ये क्रीम किस चीज के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है एनरिच्ड विद सेंटला एजाटिका एक्सट्रैक्ट, दिस कामिंग क्रीम हेल्प टू सूद एंड सूद द सेंसिटिव एंड इरिटेटेड एरिया। तो इसका काम होता है जहां पर भी आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, इरिटेट हो गई है, पीलिंग हो रही है, वहां पर आप इस क्रीम को यूज करो। और आप देख सकते हो मैंने पूरा हिट द पैन हो गया है, नीचे तक पूरी मैंने इसको यूज कर लिया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डर्टी पैचेस भी पड़ी है। मुझे ऐसे ना टब वाले पैकेजिंग इसलिए पसंद नहीं है बिकॉज स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह अगर यूज करो तो बार बार डबल डिप हो जाता है, तो थोड़ा सा अनहाइजेनिक होता है, बट ट्रस्ट भी इसने बचा लिया मेरी स्किन को। थैंक गॉड ये भी मेरे पास रखी थी और मुझे एक सही टाइम पे बिल्कुल याद आ गया कि एक सेंट्रल एजाटिका की एक क्रीम पड़ी है जो शायद वर्क कर जाए, एंड इट वर्क। ये एक्सपेरिमेंट था, ट्रस्ट मी, उस टाइम पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, बढ़िया काम कर गया था। सो अगर आपको भी ड्राइनेस का इशू है, पीलिंग का इशू है, कुछ आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, अगेन कहीं पे जलन हो गई है, ये क्रीम आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं अभी तक इसको रोज रात को ऐसे ऐसा स्पॉट ट्रीटमेंट लगाती हूँ यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर भी रेडनेस होती है, अमेजिंग। डेफिनेटली ट्राई दिस वन। आई थिंक इस टाइम पे मेरी स्किन को कोरियन ब्यूटी ब्रांड्स ने ज्यादातर बचाया बिकॉज दीज थ्री आर अमेजिंग। नाउ कमिंग टू बॉडी केयर, स्किन केयर खाली तीन ही है इस बार बिकॉज अप्रैल मंथ में मैंने ट्रस्ट में इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया, पूरा हाफ जो अप्रैल का था ना वो उस टाइम मेरा स्किन केयर बैरियर को ठीक करने में चला गया था, तो मैंने यही बेसिक चीज़ों को यूज़ किया, मैंने इतना कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया था हार्श केमिकल एक्सफोलिएंट्स इंग्रेडिएंट्स के साथ। मेरा स्किन का एक ब्रेक चल रहा है एंड थैंकफुली अब मेरी स्किन थोड़ी सी वापस आ रही है अपनी कंडीशन पे। नाउ कमिंग टू बॉडी केयर, सबसे पहले है मेरे पास ये वूलवर्थ का एयर प्रोफेल शावर मूस। अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीक पहले प्रोडक्ट एमटीज की वीडियो डाली है, वो जाके भी देख सकते हो, उसमें आपको अमेजिंग रिकमेंडेशन मिल जाएंगे और उसी मैंने फीचर किया था। ये उसी टाइम फिनिश हुआ था और मैं इस मंथ के फेवरेट्स में इसको फीचर करना चाहती हूँ। दो मैं इसको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल
पूरा मैंने इसको यूज किया तो काफी लंबा चल गया था। वूलवर्थ जो है ये साउथ अफ्रीका में अवेलेबल है। मैंने एक मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज किया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड साउथ अफ्रीका गई थी तो वहां से वो सामान लेके आई थी। सो वहाँ की काफी फेमस ब्रांड है वूलवर्थ, ये उसका लेके आई थी और वो दो वेरियंट लेके आई थी। मेरे पास एक और वेरियंट है जो मैं खोलने वाली हूँ। इतना अमेजिंग है ना इसमें, बेसिकली क्या है इसको आप ऐसे पंप करोगे ना इसमें मूस नहीं निकलेगा, जैसे शेविंग फोम्स होते हैं ना उसमें इतना बड़ा ऐसे फोम निकलता है वो नहीं निकलेगा। इसमें नॉर्मल एक बॉडी जैसे शार्जल होता है ना वैसे एक निकलेगा और आप जैसे जैसे उसको बॉडी को मसाज करोगे ना वो एकदम मूस और शेविंग जेल बन जाएगा। इतने अच्छे से उसमें लेयर बन जाती है एंड देन यू कैन शेव या फिर आप नहा भी सकते हो। जस्ट अगर आपको एज अ बॉडी वॉश यूज करना है तो आप एज अ बॉडी वॉश यूज करो, लेकिन आप उसके स्प्रेड करके आप शेविंग भी कर सकते हो। मैंने स्पेसिफिकली इसको उसी टाइम यूज किया जिस दिन मुझे शेविंग करनी होती थी। लव्ड इट। इसका एक ड्यूप मैं आपको बता सकती हूँ, इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है डव का शावर मूस, वो भी सेम ऐसी पैकेजिंग में आता है। आप उसको पुश करोगे उसमें प्रॉपर शावर मूस निकलता है, जो प्रॉपर शेविंग जेल टाइप होता है ना वैसा एक मूस निकलता है। उसका स्प्रेड करके शेविंग भी कर सकते हो या फिर जस्ट एज अ बॉडी वॉश भी यूज कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी, वो आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। दीज आर वेरी गुड अगर आप शेविंग करते हो ना, तो आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव। नेक्स्ट बॉडी के अप्रिल फेवरेट इज दिस एवर यूथ बॉडी लोशन इन द वेरियंट सन केयर बेरीज। ये SPF 15 का। सो मैंने एवर यूथ बॉडी लोशन पे एक डेडिकेटेड स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाई थी बैक इन दिसंबर और जनवरी। उसके अंदर मैंने इनके चार बॉडी लोशन फीचर करे थे। उसमें एक था इनका चॉकलेट वाला वेरियंट, जो इनका पता नहीं नरिशिंग क्या था मैं नाम बोलूँ, कोकोआ वेरियंट, वो मैंने पूरे विंटर्स यूज किया, मैंने पूरा खत्म कर दिया। मैं उसको एम्प्टी से फीचर नहीं कर पाई बिकॉज मेरी नीस ने लिटरली उस वॉटर की लेनी देनी कर दी थी, पूरा पील वील सब उतर गया था और फिर वो मैंने ऐसे फेंक भी दिया था। मैं उसको एम्प्टीज में नहीं फीचर कर पाई, बट वो इतने अच्छे बॉडी मॉइस्चराइजर है ना ये। सो अब मैं समर्स में ये वाला यूज कर रही हूँ। यही वाला एक बॉडी लोशन है चारों में से जिसके अंदर SPF है, इसके अंदर SPF 15 है, विच आई नो इतनी हाई नहीं। आप बोलो गर्मी में SPF 15 क्या होती है, मजाक होती है यार, बट स्टिल बॉडी लोशन में कुछ SPF ना होने से बेटर है थोड़ी बहुत SPF होना। मैं छत पर भी जाती हूँ ना थोड़ी देर के लिए, तो भी मैं इसको सुबह के टाइम बॉडी पे अच्छे से लगा लेती हूँ, नहाने के बाद लगा लेती हूँ हैंड्स के ऊपर लेग्स के ऊपर, फिर बाहर जाना होता है तब लगा लेती हूँ। थोड़ी बहुत सन प्रोटेक्शन तो ये दे ही देता है, प्लस ये लाइट है मतलब इतना हैवी फील नहीं होता स्किन पे, बहुत जल्दी चला अंदर ग्लाइड हो जाता है बॉडी के अंदर, ऐसे नहीं लगता घंटे लग रहे हैं इसको ब्लेंड करने में। ऑल्सो दीज आर क्विक एब्जॉर्प्शन, पैराबिन फ्री, क्रुएल्टी फ्री। बाकी आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं नीचे लिंक कर दूंगी फॉर इंटरेस्टेड। आई थिंक अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ना क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छा दे रहा है, डेफिनेटली ट्राई दिस। नेक्स्ट बॉडी के फेवरेट ऑफ अप्रैल मंथ हैज टू बी दिस रेजर फ्रॉम जिलेट ब्रीज, नॉट वीनस, ये ब्रीज है। वीनस वाला जो होता है वो नॉर्मल ब्लू कलर वाला होता है, ये पर्पल वाला है विद जेल बार्स। और मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ कि एक मंथ यूज करने के बाद जेल बार्स गायब हो जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ और यहाँ जेल बार्स होते हैं, वो लिटरली घिस जाते हैं ओवर द टाइम। आप मतलब पांचवी बार भी यूज करोगे ना वो इतना रिड्यूस होते होते निकल जाएगा और स्लोली स्लोली वो पूरा ही निकलना शुरू हो जाता है। तो जेल बार्स इतना ज्यादा कोई वाव नहीं है, बट डेफिनेटली ये रेजर काफी स्मूथली ग्लाइड होता है, ये स्किन पर हार्श नहीं फील होता है, काफी अच्छी क्लोज शेव देता है। सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना या फिर आपको इनग्रोन के इशू है, आई वुड से वीनस वाला मत लो, ये ब्रीज वाला लो, ये आपको काफी अच्छे सूट करेगा बिकॉज इसके अपने भी जेल बार्स है, प्लस हम अलग से जो भी शावर मूस या जो भी फोमिंग लगाते हैं उससे भी काफी अच्छा एक ग्लाइड ऑन ईजिली हो जाता है रेजर। तो बिल्कुल भी कोई कट नहीं पड़ता, कोई इनग्रोन नहीं आता, रेजर काफी अच्छे से क्लोज शेव देता है। सो आई रियली लाइक इट। मैंने भी नायका की सेल्स की रिफिल ऑर्डर कर लिया जिसका पैक ऑफ 2 आता है। बाय द वे मुझे पता नहीं था कि जो वीनस और ब्रीज का जो बॉडी है ना उसका आप कोई रेजर लगा सकते हो, एज इन आप वीनस की बॉडी के ऊपर ये ब्रीज का रेजर लगा सकते हो और ये ब्रीज की बॉडी के ऊपर वीनस वाला रेजर भी लगा सकते हो। मुझे पहले पता नहीं था, मैंने पूरी बॉडी खरीद ली थी बिकॉज अदरवाइज पता होता तो मैं वो वीनस वाले के ऊपर खाली इसका रिफिल ले लेती, बट नेवर माइंड, मैंने अब इसके रिफिल्स रीस्टॉक कर लिए हैं, वो सेल पर कभी नहीं आते, मैंने फुल प्राइस पे खरीदा है। बट आई रियली लाइक इट। आई थिंक लेग्स के लिए स्पेशली बिकनी एरिया के लिए, बिकॉज बिकनी एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, वहाँ पे बहुत जल्दी इनग्रोन आ जाते हैं, कट्स पड़ने के चांस होते हैं, मुझे बिकनी एरिया के लिए रेजर बहुत अच्छा लगा। सो अगर आप भी बिकनी एरिया में शेविंग करना प्रेफर करते हो ट्राई दिस वन, यू विल लव इट। नेक्स्ट अब इज अ परफ्यूम फ्रॉम नायका, इसकी मैं बैक स्टोरी बता देती हूँ। ये मेरे पास एक साल से रखा है ऑलमोस्ट, या लास्ट ईयर के अराउंड ये लॉन्च हुए थे, मुझे 3 आए थे PR में और मैंने उस टाइम ये स्टे विद मी वाला वेरियंट एक दो बार यूज किया था। उसके बाद मैंने पता नहीं कहीं पीछे अपनी अलमीरा में रख दिया था बिकॉज मेरे और भी परफ्यूम्स पड़े थे और परफ्यूम्स लंबे चलते, इतना ज्यादा नीड नहीं होती, हफ्ते में एक बार ही शायद मैं निकलती हूँ बाहर और उसी टाइम मैं लगाती हूँ, तो मेरी बॉटल काफी मेरी बॉटल काफी लंबी चल जाती है। बट अभी रिसेंटली मैंने अप्रैल मंथ में वीडियो बनाई थी बेस्ट परफ्यूम्स एंड बॉडी मिस्ट इन इंडिया, मैं नीचे लिंक कर दूंगी। मैंने उसमें बहुत सारी आपको वैरायटी सजेस्ट करी है इन परफ्यूम्स एंड बॉडी मिस्ट कैटेगरी, तो उसमें मैंने इसको फीचर किया था एंड फाइनली आई फाउंड इट पीछे कहीं मेरे अलमीरा में रखा होता और उसके बाद मैंने इसको कॉन्टिन्यूसली यूज किया है अप्रैल मंथ में। दिस इज सो गुड। अगर आपको भी सिट्रसी खुशबू पसंद है ना, थोड़ी सी जो लेमनी होती है, जो थोड़ी सी खट्टी होती है, नॉट अ मीठी एंड वो फ्लोरल वाली, गो फॉर दिस वन। ये वेरियंट नायका स्टे विद मी, ये EDP है
द वे यू कैन रीड यहाँ पे EDP लिखा हुआ है. आई रियली लाइक द बॉटल, कितनी क्यूट और एकदम इंस्टाग्राम एस्थेटिक वाली जो बॉटल लगती है ना, आप कहीं ट्रे में भी रख सकते हो. आई रियली लाइक दैट इन्होंने अपने बॉडी लोशन भी निकाल दिए थे जो इसी सेम परफ्यूम के वेरियंट जैसे आते हैं. सो स्टे विद मी का सेम ऐसा बॉडी लोशन भी आता है, सो आप वो भी ले सकते हो अगर आप और ज्यादा फ्रेग्रेंस बढ़ाना चाहते हो. आपको अगर नहीं पता, अगर आप बॉडी लोशन, शार, जेल, परफ्यूम एक ही रेंज का यूज करोगे ना, तो आपकी बॉडी में से और अच्छी स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है, बिकॉज आपके सारे प्रोडक्ट्स मिलके एक सिंगल खुशबू जो कहीं ना कहीं एडेड होती है ना, वो और ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाती है. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट, बट ओवरऑल आई लाइक इट. प्राइस पॉइंट के हिसाब से सबसे बढ़िया परफ्यूम है. अगर आप इसे गिफ्ट भी करना चाहते हो ना, डू ट्राई दिस वन. कमिंग टू मेकअप कैटेगरी, आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स टू फीचर, बिकॉज इस मंथ ना मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली से ड्राई स्किन टाइप पे चली गई थी. जब भी आप नोटिस करोगे ना, आपकी स्किन किसी प्रोडक्ट पे रिएक्ट कर जाती है, स्किन का बैरियर खराब हो जाता है, तो आपकी स्किन हल्की सी ड्राई होनी शुरू हो जाती है. सो इस मंथ में मैंने ज्यादातर नरिशिंग प्रोडक्ट्स पे वर्क किया है. सो क्या होता था ना, मैं फाउंडेशन अपना नॉर्मल मेबलिन सुपर स्टे लगा रही थी, मेरी स्किन अजीब सी फट रही थी, क्रैक्स पड़ रहे थे, बिकॉज वो मैट फाउंडेशन है और बस जितने फाउंडेशन पड़े हैं वो मैट ही है. तो मैंने क्या किया, मैंने एक दिन ये स्विस ब्यूटी का जो रियल मेकअप बेस है ना, ये मिक्स किया अपने फाउंडेशन में. ये वैसे मेकअप बेस की तरह यूज होता है, लेकिन आप उसको अपने फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो. उससे भी एक हाइलाइटिंग उसको एक बना देता है, और ये डूई है. इसका जो फिनिश है ना, वो हल्की सी ड्राई स्किन टाइप के लिए बनाई गई है, जो थोड़ी सी नरिशिंग है, डूई है, एंड दिस इज सो गुड. अगर आपके पास भी कोई फाउंडेशन है ना जो आपकी स्किन को क्रैक कर रहा है, बहुत ज्यादा मैट हो रहा है, ट्राई दिस वन. इसको लगाते इतनी अच्छी डूई शाइनी फिनिश आती है ना, और इसके अंदर जो ग्लिटरी स्पार्कली पार्टिकल्स है ना, जो काफी फाइन है, वो इतना अच्छा ग्लो देते हैं स्किन पर. आई थिंक ये फ्लैश फोटोग्राफी के लिए, जैसे अभी मैं लाइट्स के आगे बैठी हूं, तो मैं अगर इसको मिक्स करके लगाती हूं ना, तो लाइट्स में बहुत अच्छा फेस पर एक बहुत अच्छा ग्लो आता है. फिर आप शादी पार्टीज में जा रहे हो, आप बहुत फोटोज खींचती हैं, तो ये जरूर ट्राई करना. आप देख सकते हो मैंने इसको, अब तो शेक हो गया, लेकिन मैंने इसको इतना यूज कर लिया इस मंथ. मैंने जितनी बार फाउंडेशन शूट पर लगाया है, या फिर वैसे मैं कहीं बाहर गई हूँ, हल्का फुल्का भी लगाया, तो मैंने यही मिक्स करके लगाया है. थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, एक अच्छा ग्लो आता है, एंड दिस इज सो अफोर्डेबल एज वेल. अभी नायका की सेल पे तो लिटरली 20-25% ऑफर मिल रहा था, विच इज वर्थ इट. बहुत चीज की ग्लास की पैकेजिंग है जो काफी लग्जूरियस लगती है, मतलब इसका प्राइस पॉइंट से लगता नहीं है कितनी लग्जूरियस इसकी बॉटल आएगी. और मेरे पास जो शेड है ना, वो है N03 पिंक टिंट. इनके तीन शेड्स आते हैं, तो आपने अंडरटोन के हिसाब से ले सकते हो. जैसे मेरी जो अंडरटोन है वो थोड़ी सी पिंक है, न्यूट्रल की तरफ है, तो ये पिंक टिंट मेरे पे सूट कर रहा है. अगर आपकी गोल्डन अंडरटोन है, फिर आपका थोड़ा सा और डार्क कम्प्लेक्शन है, आप इनका गोल्डन वाला ले सकते हो, या फिर इसका एक सिल्वर वाला भी आता है वो ले सकते हो. अदरवाइज मेरे पे ये पिंक टिंट ब्यूटीफुली सूट करता है. दिस इज रियली गुड, अगेन अ मस्ट हैव इन योर मेकअप पैलेट. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम के ब्यूटी है. के ब्यूटी के HD सेटिंग लूज पाउडर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लूज पाउडर फॉर स्किन टाइप. अगर आपके एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, तो आप फिटमी वाला ले सकते हो, या हुडा ब्यूटी के मेरे पास जो रखे थे ना, वो काफी मैट बना देते हैं स्किन को. अगेन मेरी स्किन इस टाइम हो रखी थी अजीब सी ड्राई, इरिटेटेड, तो मुझे ये लूज पाउडर बहुत अच्छे से सूट करा है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लूज पाउडर अगर आपको स्किन को हल्का सा मैट बनाना है, मतलब इतना ऑयली ना हो आपकी स्किन, ओवर द टाइम आप जब मेकअप करके बाहर जाओ तो इतनी ग्रीसी ना हो, बट एट द सेम टाइम वो इतनी मैट भी नहीं होनी चाहिए. इसकी कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लगती है. इसके मैंने डेडिकेटेड वीडियो पूरी बनाई थी, मेरे पास इनकी पूरी शेड रेंज आई थी PR में, तो मैंने नायका की पूरी बहुत पहले, आई थिंक 1-2 साल पहले PR में वीडियो बनाई थी. इट वॉज नॉट अ पेड कोलैबोरेशन, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो. अगर आपको अलग अलग स्किन टाइप के रेफरेंस देखने हैं, कौन से स्किन कलर पे कौन सा पाउडर सूट करेगा, मैंने उसमें स्वॉचेस भी डाले थे, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी. बट दिस इज रियली गुड. ये मेरे पास है ट्रांसलूसेंट वाला, विच इज आई थिंक अ वेरी सेफ ऑप्शन. अगर आप बिल्कुल अनश्योर हो ना कि आप कोई भी लूज पाउडर लेते हो, या तो आपकी स्किन पे बहुत लाइट हो जाता है, फिर डार्क हो जाता है, इससे अच्छा ये ट्रांसपेरेंट वाला, ट्रांसलूसेंट वाला ले लो. ये व्हाइट कलर का, ये कोई भी आपके स्किन के ऊपर कलर नहीं देगा, और ये व्हाइट नहीं लगेगा, मत सोचना आपकी स्किन को व्हाइट बना देगा. ये लिटरली गायब हो जाता है आपकी स्किन पे. ये खाली आपकी स्किन को हल्का सा मैट बनाता है, जहां पे भी ऑयलीनेस होती है, जहां पर ग्रीसीनेस बहुत ज्यादा होती है, उसको थोड़ा सा मैट कर देता है. बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी हाइड्रेटिंग. मतलब ये के ब्यूटी जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, ये थोड़े से ड्राई स्किन टाइप के लिए अच्छे होते हैं, बिकॉज ये थोड़े से हाइड्रेटिंग होते हैं, ज्यादा सुखाते नहीं है स्किन को. वेरी नाइस. इनकी मैश जैसी पैकेजिंग है, जिसको आप थोड़ा सा ब्रश से या फिर ब्लेंडर से पुश करोगे, तो प्रोडक्ट अपने आप इसे यहाँ पे बाहर आना शुरू हो जाएगा. और यहाँ पे इन्होंने लॉक ऐसा दिया हुआ है, विच इज रियली नाइस. तो इससे अच्छे से लॉक हो जाता है बीच से, तो आप इसके साथ ट्रैवल भी कर सकते हो. आई रियली लाइक इट. अगेन अभी के ब्यूटी पे सेल चल रही है नायका की, वैसे भी इन पे डील्स चलती रहती है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई. नेक्स्ट अप आई हैव लिपस्टिक्स फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है अप्रैल मंथ में. आई थिंक मार्स इज किलिंग इट विद एवरीथिंग. अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में मैट लिपस्टिक्स इन्होंने इतनी अच्छी निकाली है ना. मैंने जस्ट अभी वीडियो अपलोड करी है बेस्ट लिपस्टिक्स अंडर ₹299, उसमें मैंने यही फीचर करी है. इसके अलावा आपको और रिकमेंडेशन देखने को मिल जाएंगे, मैं वो भी लिंक कर दूंगी, या फिर यहाँ कहीं लिंक कर दूंगी, आप डेफिनेटली वो जाकर देखना. सो दिस इज नंबर वन. ये रिसेंटली मार्स ने लॉन्च करे हैं उनके मार्स लिपस्टिक्स बॉक्स के सेट. ये 3 मैट बॉक्स है बेसिकली, और मेरे पास जो शेड है वो है पीचेस एंड न्यूड 02. अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप आगे थोड़ा सा पार्ट स्किप कर सकते हो, बट अदरवाइज मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ. सो
में आपको ऐसे तीन लिपस्टिक्स मिलती है विच आर मोर इन पीचेस एंड न्यूड फैमिली, थोड़े से पीची शेड और एक न्यूड शेड आपको मिलता है. सो मैंने अभी जो शेड लगाया था ना वो है 05, एकदम ब्राइट पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है जो काफी अच्छा लगता है. आई लव देयर फिनिश, ये मैट है लेकिन लिप्स को चैप नहीं करते, ज्यादा ड्राई नहीं करते और ये ज्यादा ट्रांसफर भी नहीं होती. मतलब इट्स नॉट समथिंग कि बुलेट फॉर्म में आ रही है तो एकदम हाथ के ऊपर या वैसे मास्क के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी. आई थिंक बुलेट लिपस्टिक में अब तक की सबसे बेस्ट लिपस्टिक मुझे लगी है जो चैपी नहीं है और ट्रांसफर भी नहीं होती. यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट. ये 299 rupees का आपको Amazon से मिल जाता है. दो अगर आप अलग अलग प्राइस देखोगे तो इनके काफी 150-250 ऐसा कुछ पड़ जाता है. सो ये बॉक्स मुझे एकदम वर्थ इट लगता है. सो मैंने आज ये लगाया है शेड 05 ड्रीम चेजर. सो जब मैंने इसको लगाया ना मुझे थोड़ा सा लाउड लगा पिंक, बिकॉज इस लुक के हिसाब से मुझे थोड़ा सा झटाक लग रहा था. सो मैंने क्या किया, मार्च की दूसरी वाली लिपस्टिक मिक्स कर दी. आई लव मिक्सिंग लिपस्टिक्स. आई थिंक आप मैक्सिमम जितने ब्यूटी ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे सब यही करते हैं, मिक्स करते हैं लिपस्टिक्स. बिकॉज हम एक लिपस्टिक लगा लेना तो वो मजा नहीं आता, सकते हैं कुछ और कुछ अलग बना के देखते हैं. और लेयर करने से ना आपकी लिपस्टिक ज्यादा अच्छे स्टे भी करती है. सो उसी शेड के ऊपर मैंने आज ये लगाया है मार्स का मैटिनी लिपस्टिक न्यूड फ्लर्ट 07. ये प्रॉपर न्यूड कलर है. आई लव द पैकेजिंग, ऐसे स्क्रू की तरह खुलती है और ये प्रॉपर न्यूड ब्राउन कलर है जिसको मैं खाली नहीं लगाती बिकॉज ये अजीब सा ब्राउन ब्राउन लगता है जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता. सो मैं इसको किसी भी लिपस्टिक के साथ मिक्स करती हूँ, स्पेसिफिकली जो लाउड लिपस्टिक्स होती है, झटाक पिंक हो गया, लाउड पिंक हो गया, रेड हो गया, उसे मिक्स करते ही एकदम न्यूड कलर उसको बना देता है बिकॉज ये अपना ब्राउन टोन उसमें ऐड कर देता है. सो दिस इज रियली नाइस. और मैंने यही कस्टमाइज शेड बनाया. अब तो काफी देर हो गया, आई थिंक 1-1.5 घंटे से मैं शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा फेड होने लग गया है, बट आई लव इट. पूरा जो ओवरऑल कलर बना था ना वो बहुत अच्छा था. ऑल्सो आई हैव अ कूपन कोड विद मार्स नाउ. मार्स का मेरा अफिलिएट कोड हो चुका है विच इज कशिका 10. सो मार्स काफी अच्छे अच्छे लॉन्चेस निकाल रहा है जो आपको मार्स की अपनी वेबसाइट पे या फिर नायका पर नहीं मिलने वाले, वो आपको मार्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगे. एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मार्स. कभी भी कूपन कोड बता दो ना तो नीचे कमेंट आता है स्पॉन्सर्ड है, बताया नहीं. ऐसा नहीं है यार, मैं अपनी हर वीडियो में नीचे लिख देती हूँ दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय दिस दिस या फिर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय. ये वीडियो किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं करी, मैं जस्ट आपको अपडेट दे रही हूँ कि मेरा एफिलिएट कोड है उनके साथ. सो अगर आपको कुछ भी मार्स का ट्राई करना है जो आपको अमेजोन पे नहीं मिल रहा हो, सो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो. उस पर कशिका 10 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा. एंड डेफिनेटली यार मार्स इज किलिंग इट. आई हैव अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम मार्स. ये भी मुझे अभी पीआर में आया था अप्रैल या फिर एक मंथ पहले. ये भी उनका न्यू लॉन्च है. ये मार्स का सील द डील डूई फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे. इसको भी मैंने यहाँ पर बॉक्स में रखा है बिकॉज अब मैं यूट्यूब वीडियो फिल्म करने की सोच रही हूँ जिसमें मैं न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करूंगी. सो उसे फीचर करने के लिए मैंने यहाँ रखा है. उसके बाद मैं इसको नीचे ले जाऊंगी, फिर मैं इसको रेगुलर बेसिस पर यूज करूंगी. बट आई लव्ड इट. मैंने इसका कशी क्विक रिव्यू अपलोड किया इंस्टाग्राम पे. इफ यू डोंट नो मैं इंस्टाग्राम पे कशी क्विक रिव्यूज करती हूँ. रील पर मैं 60 seconds के रिव्यूज करती हूँ. फर्स्ट टाइम उसको ट्राई करती हूँ, बताती हूँ कि कैसा है, क्वालिटी कैसी है. सो 60 seconds में आपको रिव्यू देखने को मिल जाता है. सो वो आप देख सकते हो. मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी. मैं ज्यादा इसकी अभी इसलिए बात नहीं कर रही. ये डूई फिनिश का सेटिंग स्प्रे विच इज जस्ट फॉर ₹299. मतलब मार्स किल्ड इट विद द प्राइस पॉइंट. मैं इसको बेस्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं बोलूंगी बिकॉज ठीक है यार 300 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, बट डेफिनेटली प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये अपने आप में बेस्ट वर्क करता है. डूई फिनिश है तो मेरी स्किन को एकदम मैट नहीं बनाता, अजीब से एकदम सूखा सूखा ही लगता है. बहुत अच्छी डूई फिनिश देता है ताकि मेरा मेकअप भी थोड़ा सा ग्लॉसी लगे, शाइनी लगे. और आजकल ट्रेंड भी है ये डूई फिनिश का है. रियली नाइस. थोड़ा सा मेकअप आपका लॉक हो जाता है, मास्क पर ट्रांसफर नहीं होता, जल्दी गर्मियाँ बहता नहीं है. सो अगर आप बहुत अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मेकअप सेटिंग स्प्रे देख रहे हो ना, गो फॉर दिस वन. ओनली कॉन इज इसमें फ्रेग्रेंस है, बहुत हल्की फ्रेग्रेंस है, ज्यादा लाउड नहीं है. हल्की सी इसमें खुशबू आती है विच इज टॉलरेबल. मैंने इसको अभी भी यूज किया. मैंने जैसे कि आपको बताया था मेरा स्किन का बैरियर हिल गया था, मैंने तभी भी इसको मेकअप के ऊपर यूज किया तो कोई बर्निंग चीज सेंसेशन फील नहीं हुई. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. नेक्स्ट अप इज अ पर्टिकुलर शेड फ्रॉम अ पैलेट. आई थिंक ये मैंने अपने किसी मंथ के फेवरेट में तो फीचर किया था तो थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाएगा, लेकिन मैं एक शेड स्पेसिफिकली फीचर करना चाहती हूँ बिकॉज मैंने अप्रैल मंथ में सबसे ज्यादा यूज किया है. सो ये स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट. पूरा इसका टेक्स्ट उड़ चुका है बिकॉज ऑब्वियसली मैं काफी यूज कर चुकी हूँ. सो दिस इज द शेड नेम. यहाँ पे आपको बैक साइड पे दिख जाएगा. इसका शेड नेम है 04. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको अमेजोन पे इजिली मिल जाएगा. और ये है प्रॉपर एक पैलेट जिसके अंदर आपको ब्लश, कॉन्टोर और हाईलाइट मिलता है. और यही पर्टिकुलर शेड है जिसके अंदर आपको कॉन्टोर शेड भी मिलता है. इनके और भी शेड्स आते हैं, उसमें आपको कॉन्टोर शेड नहीं मिलेगा. सो ये तीन और ये जो दो शेड है ये ब्लश के हैं. ये हाईलाइटर का शेड है, ये भी हाईलाइटर का. एक आपको डीप टोन्स के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा लाइट टोन के लिए मिल रहा है, ये कॉन्टोर शेड मिल रहा है. लेकिन इस पर्टिकुलर पैलेट में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया ये वाला शेड, लाइक दिस पर्टिकुलर शेड. मुझे इस पैलेट को यूज करने के बाद पता चला, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने अलग अलग शेड यूज करे, फिर मुझे पता चला कि ये पर्टिकुलर शेड मेरे स्किन के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है. बहुत प्यारा कोरली सॉर्ट ऑफ शेड है. मतलब ये वाला बड़ा डिफरेंट है, आपको यूजली ब्लशेस में देखने को नहीं मिलता. वेरी नाइस एंड कोरली, बहुत अच्छा लगता है मेरे चीक्स के ऊपर, काफी नेचुरल
लगता है जबरदस्ती को एकदम रेड पिंकी पिंकी चीक्स नहीं लगते मेरे। आई थिंक ट्रैवलिंग के लिए ऐसे पैलेट एकदम परफेक्ट रहते हैं बिकॉज आपको मल्टीपल चीजें कैरी नहीं करनी होती। आप इसके बाद आई शेडो भी स्किप कर सकते हो बिकॉज ये जो ब्लशेस वाले शेड है ना आप इनको एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हो तो आपका काम चल जाता है। सो आई शेडो हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, कॉन्टोर हो जाता है, रियली नाइस फुल साइज मिरर मिलता है तो आप इजिली यूज भी कर सकते हो। आई थिंक दिस पैलेट इज अ स्टील डील फॉर द प्राइस पॉइंट एंड दैट इज इट फॉर माय एवरी फेवरेट्स वीडियो। नाउ द टाइम इज फॉर माय बर्थडे गिवअवे नंबर वन। इसके बाद और भी गिवअवेज आएंगे सो स्टे ट्यून्ड। इस गिवअवे विनर को मिलने वाला है ये सब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये गुडी बॉक्स आप जीत सकते हो, एक विनर होगा इसमें। और इसके लिए आपको क्या करना है, रूल नंबर वन आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल आइकन दिखेगा और सब्सक्राइब बटन दिखेगा, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद बेल आइकन पे हिट करके ऑल पर टिक कर देना सो दैट आपको नोटिफिकेशन आते रहे। रूल नंबर टू आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है, मेरा इंस्टा का हैंडल है karshika.chauhan, सेम डीपी है मेरी उस वाले पेज पर भी, बट मैं नीचे लिंक दे दूंगी आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो, आपको सिर्फ मुझे वहां जाकर फॉलो करना है और मेरा कंटेंट भी देख सकते हो। मैं काफी अच्छा कंटेंट वहां के लिए भी बनाती हूँ जो काफी नॉलेजेबल भी होता है। एंड रूल नंबर थ्री इज टू कॉमेंट बिलो। मैंने आज की वीडियो में आपको जो भी प्रोडक्ट दिखाया है उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में आपको कॉमेंट करना है जो आप ट्राई करना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, आप अपना भी इसमें ओपिनियन दे सकते हो। सो आप बता सकते हो आपको कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट लगा इस पर्टिकुलर वीडियो में और दैट इज इट। आई थिंक सिंपल रूल है, तीन सिंपल रूल करने हैं, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को ताकि और भी ज्यादा फ्रेंड्स आपके पार्टिसिपेट कर पाए। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको रूल्स भी मिल जाएंगे प्लस आज जो मैंने प्रोडक्ट्स फीचर करे हैं उन सबके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे सो आप इजिली शॉप भी कर सकते हो। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।